हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि रिलायंस जियो की तरफ से यह अनाउंसमेंट आई है कि जियो के जितने भी कॉल्स होंगे वह पूरे भारत में फ्री कर दिए जाएंगे। आप यहां पर न्यूज़ देख सकते हैं कि जियो टू मेक ऑल डोमेस्टिक वॉइस कॉल फ्री फ्रॉम January 1, 2021। यानी कि जियो के जो सिम से आप कहीं भी पूरे भारत में कॉल करेंगे वह बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। तो ऐसे में आप सभी लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे, जैसे कि क्या आप बिना रिचार्ज के ही जियो से किसी भी सिम पर कॉल कर सकते हैं और पूरे भारत में कहीं पर भी फ्री में बात कर सकते हैं। और भी बहुत सारे आप लोगों के सवाल होंगे कि क्या सिर्फ जियो से जियो बात करने पर कॉल फ्री होंगी या फिर किसी भी सिम पर हम लोग जियो से कॉल करेंगे तो वह बिल्कुल फ्री होगी। तो आज की वीडियो में हम लोग यही सब बात करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें और शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग यहां पर न्यूज़ देख सकते हैं कि जियो विल नॉट चार्ज यूजर फॉर ऑफ नेट कॉल स्टार्टिंग January 1, 2021 अधियरिंग टू ट्राइज विल एंड कीप रिजीम इंडिंग IOC चार्जेस फॉर ऑल डोमेस्टिक कॉल्स। यानी कि 1 जनवरी 2021 से जियो आपको कोई भी चार्ज नहीं लगाएगा। आप कहीं पर भी ऑफ नेट कॉल्स करेंगे तो आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेंगे। और साथ ही साथ यहां पर बताया गया है कि जो IOC चार्जेस हैं उनके हटने की वजह से ऐसा किया गया है। तो अब आप सभी लोगों के मन में यह सवाल होंगे कि यह IOC चार्ज क्या होते हैं और किसके द्वारा लगाए जाते हैं और यह ट्राइज क्या है। तो चलिए अब जानते हैं कि इन टेक्निकल वर्ड का क्या मतलब है और इसका कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं आपको फिगर के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है जो जियो सिम यूज करता है और कोई व्यक्ति बी है जो एयरटेल वोडाफोन आइडिया या फिर कोई और सिम यूज करता है जियो के अलावा। तो जब ए वाला व्यक्ति बी वाले व्यक्ति पे के ऊपर कॉल करेगा के पास कॉल करेगा तो जियो वाला जो व्यक्ति रहेगा वह अगर बी के पास कॉल करेगा और 1 मिनट बात करेगा तो उसको 6 पैसा पर मिनट IOC चार्जेस लगते हैं। यानी कि आप किसी एक कंपनी के सिम से किसी दूसरे कंपनी के सिम के पास कॉल करेंगे तो आपको 6 पैसा पर मिनट IOC चार्जेस देना पड़ता है जो ट्राई द्वारा लगाया जाता है। और ट्राई का पूरा नाम आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि ट्राई का पूरा नाम द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। और जो यह ट्राई होता है यह चार्जेस लगाता है और इसी चार्जेस को IOC चार्ज कहा जाता है। और यह चार्जेस तब लगता है जब आप किसी एक कंपनी के सिम से किसी दूसरे कंपनी के सिम पर कॉल करते हैं। और यह चार्जेस जो है आपका 6 पैसा पर मिनट का है। यानी कि मान लीजिए अगर ए वाला जो व्यक्ति है जो जियो सिम यूज करता है अगर बी वाले व्यक्ति के पास कॉल किया है एयरटेल सिम वाले पर या फिर किसी और सिम वाले पर तो जो 1 मिनट बात करेगा तो उसका जो 6 पैसा पर मिनट चार्ज लगता है यानी कि 1 मिनट का चार्जेस हुआ 6 पैसा। तो जियो वालों को एयरटेल वालों को 6 पैसा देना पड़ता है। और यही चार्जेस जो ट्राई द्वारा लगाया जाता है वह रिसेंटली ही हटा दिया गया है यानी कि 2021 में हटा दिया गया है। तो इसीलिए IOC चार्ज हटने के कारण ही जो जियो ने यह अनाउंसमेंट की है कि आप भारत में किसी भी सिम पर कॉल करेंगे तो वह आपको बिल्कुल फ्री में होगा और आपको कोई भी चार्जेस अलग से नहीं देने होंगे। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल होगा कि जियो वाला जो कॉल्स था वह तो पहले भी फ्री था जब हम लोग अनलिमिटेड वाला जो रिचार्ज कराते थे। लेकिन ऐसा नहीं है। आप सभी लोगों को पता होगा कि जब आप जियो का कोई भी रिचार्ज कराते होंगे तो आपको उसमें मिनट देता होगा कि अगर आप दूसरे सिम से बात करेंगे तो आप बस इतने मिनट बात कर सकते हैं। वह इसलिए होता था क्योंकि उसमें IOC चार्ज लगाया जाता थे, इसीलिए सिर्फ आपको उतने मिनट ही बात करने दिया जाता था। और जो IOC चार्ज था वह जियो कंपनी की तरफ से जो अन्य कंपनियां पर जिस पर आप कॉल करते थे उनको दिया जाता था। लेकिन अब ट्राई द्वारा यह जो IOC चार्ज था वह हटा लिया गया है। तो इसीलिए अब जियो टू जियो या फिर जियो टू किसी भी अन्य सिम पर अगर आप कॉल करेंगे पूरे भारत में वह बिल्कुल आपके लिए फ्री रहेगा। आपको उसके लिए अलग से कोई भी चार्ज नहीं देने पड़ेंगे और आपको जो लिमिट रहेगा 1000 मिनट 2000 मिनट ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। आप लोग जितना चाहें उतना फ्री में बात कर सकते हैं। तो ऐसे में आप सभी लोगों के मन में यह ज़रूर सवाल होगा कि क्या अब हमें रिचार्ज नहीं कराना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा। लेकिन जैसे पहले जियो 1000 मिनट 2000 मिनट देता था अब ऐसे नहीं होगा। आप चाहें तो किसी भी सिम पर कितना भी देर फ्री में बात कर सकते हैं। और जो 1000 मिनट की लिमिट रहती थी अब वह लिमिट नहीं रहेगी, अब वह भी आपके लिए फ्री रहेगा। जैसा कि जियो टू जियो फ्री रहता था वैसे ही आप किसी भी सिम पर कॉल करेंगे तो वह बिल्कुल फ्री रहेगा। और हो सकता है आने वाले 1-2 महीने में जियो की तरफ से और भी प्लान्स आएंगे और भी ऑफर्स आएंगे। तो जैसे ही ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आप सभी लोगों को वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।